दोस्तों ऐसा स्टीयरिंग व्हील एक ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, और अगर भारत की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे है टाटा सिग्ना 5530, ठीक है, एक किपर, और ये जो है दोस्तों यहाँ पे सिग्ना की ब्रांडिंग है, कारों की तरह दे रखा है, और फोर स्पोक पे शिफ्ट हो गए हैं, टू स्ट्रोक है इस वाले में, और पूरा पियानो का फिनिश यहाँ पे दिया हुआ है। म्यूज़िक को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं, ट्रैक को आगे पीछे करने के लिए चीज़ें हैं, जैसे कि आपको गाने आगे आगे पीछे करने हैं तो उसके हिसाब से हैं। दोस्तों यहाँ पे होम बटन पे जाने के लिए, कॉल को कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए, क्यों मैं ये सारी चीज़ें बटन्स आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है ये वाला टच स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो टच स्क्रीन है इसके हिसाब से ये सारी बटन्स काम करती हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आपको स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं मिलेगा। और एसी को जो है हमारे बाकी सारे सिग्ना केबिन से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट किया गया, ये भी दोस्तों हीटिंग के हिसाब से नहीं आता है, इसमें सिर्फ एयर कंडीशनिंग आती है। यहाँ पे आपको स्पीड का ब्लोअर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल पर स्विंग्स मिल जाएंगे एसी के इवेंट्स के, जैसे कि आपको अगर शीशा साफ करना है आगे की तरफ तो आप वो कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको रिसर्कुलेशन रीजनरेशन की चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग स्विच ऑन और ऑफ के लिए। साइड में बटन्स की बात करूँगा तो ऊपर की तरफ तीन डमी बटन्स, बीच में आपको हजार्ड लैंप का स्विच, साइड में आप देखेंगे तो लाइट मोड के लिए, मीडियम और हैवी मोड के हिसाब से दिया हुआ है, खाली गाड़ी को लाइट मोड में, और गाड़ी में अंडर लोड है तो आप मीडियम मोड में, फ्लैट सरफेस पे मीडियम मोड में, और अगर आप ग्रेडियंट चला रहे हैं घाट वाट सेक्शन पे है तो आप हैवी मोड लगाओ। लो गियर में जब बेसिकली जब गाड़ी चलाते हो, एक दो तीन गियर्स में गाड़ी चलाते हो, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इंजन कंट्रोल करना है तो इंजन कंट्रोल के लिए यहाँ पे इंजन कंट्रोलर का ऑप्शन है, जिससे कि आपकी गाड़ी में जब आप डाउन हिल आते हो तो इंजन कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीछे की तरफ अगर डिफरेंशियल के पास में काम करना है, एक्सल्स के पास में लाइट जलानी है तो वो यहाँ से जल जाती है। ये दोस्तों हिल होल्ड है, जब हम गाड़ी को ग्रेडियंट पे चलाते हैं गाड़ी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद जब हम गाड़ी को दोबारा से मौसम बनाते हैं तो गाड़ी हल्की सी पीछे जाती है, तो गाड़ी अपने आप से ब्रेक लगाती है, गाड़ी पीछे की जगह सिर्फ आगे ही बढ़ेगी, जब तक आगे बढ़ेगी नहीं तब तक आप आगे बढ़ने जितना आप ताकत इंजन में नहीं दोगे तब तक गाड़ी पीछे की तरफ नहीं जाती, वो वाला बटन है। यहाँ पे आपको रीजनरेशन के बटन्स मिल जाएंगे, SOS हेल्प का बटन, वो गोल वाला ना देके थोड़ा सा मॉडर्न स्टैंडर्ड दे रखा है, तीनों बटन्स गलती से ना दबें इसलिए इसको टाटा प्रोटेक्ट करके देता है, बहुत ही बढ़िया टच एक मुझे लगता है ये भी। और यहाँ पे आपको हेडलाइट लेबलिंग मिल जाती है, जो कि कमर्शियल गाड़ियों के हिसाब से बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बारे में अलग से जो है डिटेल्ड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर के दो आपको USB आउटलेट्स मिलते हैं, 12 वोल्ट का कोई या 24 वोल्ट का आउटलेट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको नीचे की तरफ टाटा ने सरप्राइजिंगली दिया हुआ है, तो वो चीज़ें भी जहाँ पे कैटर होती हैं, ऐसा नहीं है कि USB पोर्ट दे दिया तो बाकी सारे ऑक्सिलरीज आप नहीं चला पाओगे। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक है, एडजस्ट हो जाता है, स्टीयरिंग का फील और फिट बहुत बढ़िया है। अब यहाँ देखो एक पर्टिकुलर टेक्सचर स्टीयरिंग पे आपको दिखेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। टाटा सिग्ना में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव की गई हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीज़ों में जो है टाटा बेहतर तरीके से उभर के आया है। दोस्तों अगर गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 9 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, एक जो है वो एल गियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक एयरवेंट आपको पहले की तरह यहाँ मिलता है, एक एयरवेंट आपको यहाँ मिलता है, और यहाँ पे आपको वेब फ्रंट डिज़ाइन मिलता है आगे की तरफ। डैशबोर्ड की क्वालिटी कभी मैंने शिकायत नहीं की सिग्ना केबिन में, कभी भी इनका सिग्ना केबिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोबस्ट होता है, उस हिसाब से शिकायत नहीं है। यहाँ पे आप सॉफ्ट टच मटेरियल अपने आप लगवाते हैं, वो सारी चीज़ें, सामान वगैरह यहाँ रखने की मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों इसके बारे में है कि वेब फ्रंट डिज़ाइन टाटा काफ़ी वक्त से यूज़ कर रहा है, हम इससे काफ़ी यूज्ड हो गए। अब एक चीज़, कुछ सिग्ना जो बेसिक मॉडल आते हैं उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्पीकर नहीं होते हैं, यहाँ खाली दिया जाता है, पर टाटा ने यहाँ पे लकीली बिन्स दिए हुए हैं, और ये देखो होल्ड भी अपने आप हो रहा है कहीं ना कहीं, इसको देखो तो क्लोज भी अच्छा हो रहा है, क्वालिटी भी ऐसी फील हो रही है कि बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं लग रहा है, और एक कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से वाकई में ये टाटा का कमांडेबल जॉब मुझे लगता है। यहाँ पे भी आपको एक ओपन बिन दिया हुआ है जो कि अगेन बहुत फायदेमंद है, साइड में आपको कंडक्टर साइड भी या फिर आप देखें तो आपके हेल्पर साइड भी जगह चीज़ें बहुत अच्छी से मिल जाती है। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम वगैरह वहाँ लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ग्रैब हैंडल वगैरह मिलता है, लाइट्स बीच में आपने देखा होगा सिग्ना के केबिन में अक्सर बीच में देखने को मिलती है, पर इस वाले केबिन में 5530 में आपको साइड में लाइट्स मिलती है, मतलब वहाँ के लिए और यहाँ के लिए जो है अलग से लाइट मिलती है, ड्राइवर को और उनको अलग से लाइट है, और ये टच है एक तरीके से टच बेस्ड है, मतलब एक्चुअली टच बेस्ड नहीं है, इसके अंदर एक बटन दिया हुआ है बट ये एक्चुएट यहीं से होती है, तो इस हिसाब से चीज़ें जो यहाँ पे होती है। तो ये है दोस्तों इसका। इसके अलावा अगर बात करें ड्राइवर की विजिबिलिटी की तो यहाँ पे आपको BS6 नॉर्म्स में सारे के सारे मिरर्स देखने को मिलते हैं, रियर व्यू मिरर, वाइड एंगल मिरर, फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर मिलता है, साइड ब्लाइंड स्पॉट मिरर, रियर व्यू मिरर, रियर प्रॉक्सिमिटी मिरर्स वगैरह मिलते हैं। डोर की क्वालिटी, लैचेस की क्वालिटी बढ़िया है, हर एक सिग्ना केबिन के अंदर मैंने हमेशा बोला है कि किस हिसाब से जो सीट दी हुई है वो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, तो यहाँ पे भी आप देखो तो बढ़िया तरीके से टाटा ने सीट्स वगैरह दे रखी है, फुल साइज़ की है, मेलबा फैब्रिक दिया हुआ है, जिससे कि ये क्या होता है धो सकते हो आप इसको, वॉशेबल होता है एक टाइम बाद, जब भी आपको लगता है आप इसको धो सकते हो।
तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा, अगर आप देखो 6 फीट का बंदा भी बैठे अगर प्रॉपर बैठे तो बकेट की तरह सीट होल्ड करती है, कार्गो की तरह होल्ड करती है। कंफर्ट लेवल जो है सीट्स का बहुत बढ़िया है, आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो कारों की तरह। तो बेहतर तरीके से आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं, आपके ऑपरेटर के लिए प्रोडक्टिविटी और आप टाइम बढ़ाने में मदद करेंगी। सीट है दोस्तों कभी इसकी मुझे ज़्यादा शिकायतें नहीं रही। नीचे अंडर स्टोरेज आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा जो है टाटा देती है। अच्छी बात दोस्तों ये कि यहाँ पर टाटा ने अपने हिसाब से पार्टीशन करके नहीं दिए, जिससे कि आपका सारा सामान जो है आ सकता है और काफ़ी सारा सामान इसमें ज़्यादा एडजस्ट हो सकता है। स्पेशली हमारे बड़े बड़े जो पाने होते हैं, टामिया जो हमारी होती है देसी भाषा में अगर बताऊं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आसानी से आ जाएंगी। सीट दोस्तों हमेशा ही बढ़िया रही है टाटा की, और मैंने बताया फिर से मेलवा फैब्रिक वगैरह है, वॉशेबल रहता है। पीछे के विंडोज़ ओपनेबल नहीं होते, ना ही ये पीछे का जो रियर व्यू हमारा ग्लास होता है ये ओपनेबल होता है, बट फिर भी यहाँ से हमें टिपिंग वगैरह करते वक्त सारी चीज़ें बेहतर तरीके से देखने को मिल जाती है। वो एक शानदार काम टाटा ने किया है। ओवरऑल दोस्तों अगर देखो तो रूफ को भी कवर किया हुआ है टाटा के बारे में बढ़िया। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और मटेरियल लगाया है, वहाँ कुछ और मटेरियल लगाया, सारी जगह इवन मटेरियल का यूज़ किया गया है और बढ़िया तरीके से इसको पैक किया गया है। स्पेशली अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, इंसुलेशन के टाइम पे हीट को रोकने में, गर्मी को रोकने में केबिन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी इंसुलेशन बहुत बढ़िया किया गया है, जिससे कि इंजन की गर्मी गाड़ी में कम से कम आए और काफ़ी सारा स्पेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अगर बात करूँ सीट कंफर्ट की, तो सीट जो है दोस्तों काफ़ी एडजस्टेबल है, आप इसको यहाँ से जो है अपने वेट के हिसाब से एड कर सकते हैं। 6 वे एडजस्टेबल सीट है। और अगर हाईवा टिपिंग की बात करें, तो जैसे हमने पहले की तरफ देखा था कि यहाँ पे जो ड्राइवर साइड के सीधे हाथ की तरफ नीचे की तरफ, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है हाइड्रोलिक लॉक्स वगैरह, टिपिंग वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं, हैंड ब्रेक वगैरह भी यहीं मिलता है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अगर आप बात करो डोर हैंडल्स वगैरह के, जो लैच वगैरह हैं वो भी कन्वेंशनल है। पावर विंडोज़ इस गाड़ी में अभी तक नहीं है, शायद डमी स्विचेस है, कभी भी टाटा इंट्रोड्यूस कर सकता है, बहुत बड़ा एडिशन वो नहीं है, फिर भी एक प्रीमियम टच और देने के काम में आ जाएगा। और डिमांड्स तो हमेशा जो है हम लोगों की बढ़ते ही रहती हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों देखोगे आप तो शीशा वगैरह ऊपर नीचे आप इजीली कर सकते हो, वाटर बॉटल्स आपकी आ जाएंगी, पर्चियाँ आ जाएंगी। और पहले वाले सिग्ना में थोड़ी बहुत शिकायतें थी कि ऊपर बिन्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ टॉप मॉडल सिग्ना में जो है आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। दोस्तों टाटा सिग्ना के बारे में ये सारी बातें थी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे टॉप मॉडल बेसिकली पसंद आया है। पावर विंडोज़ और गर्मी वाला फंक्शन अगर इसमें छोड़ दूँ मैं, एसी में एचएवीसी छोड़ दूँ, तो बहुत कुछ मेरे पास शिकायत करने को बचा ही नहीं है। और स्पेशली अगर स्टीयरिंग टच फील की बात करूँ, सीट्स वगैरह मुझे शुरू से ही पसंद थी, बाकी सारी चीज़ें जो है मुझे पसंद थी ओवरऑल। तो 55-30 मेरे लिए बेहद ही शानदार गाड़ी है, स्पेशली टाटा के पावर ऑफ 6 और भरोसे के साथ, इतनी लंबी वारंटी के साथ में, इतनी बढ़िया मार्केट प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और रिलायबिलिटी और टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से मुझे इस गाड़ी में कोई शिकायत नहीं लग रही है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों मेरी तरफ से टाटा 55-30 के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने दोस्तों अब तक इसको व्हाट्सअप स्टेटस पर वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज़ कर दो, आपके जैसे और भी लोग जो देख के फायदे में जा सकते हैं। तब तक लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस से पहले रिन्यू करा लीजिए, ट्रैफिक पुलिस में कभी मैं जगह मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।